लव का दी एंड आज स्पेशल रिपोर्ट में एक ऐसी खौफनाक मर्डर स्टोरी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रहेंगे, कहेंगे राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है। आपने श्रद्धा हत्याकांड के बारे में जरूर सुना होगा, उसके बॉयफ्रेंड आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में छिपाया और एक एक करके उसके शरीर के टुकड़े ठिकाने लगाता रहा। लेकिन दिल्ली में अब एक और फ्रिज का दरवाजा खुला है। इस बार निकली है 22 साल की निकी की लाश। जी हाँ, निकी को उसी बॉयफ्रेंड साहिल ने मोबाइल फोन के चार्जर से गला घोटकर मार डाला और लाश को फ्रिज में छिपाकर दूसरी लड़की के साथ सात फेरे लेने चला गया। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। दो प्यार करने वाले, एक दूसरे के इश्क में डूब जाने वाले और लव के लिए लिव इन में रहने का फैसला करने वाले। जी हाँ, ये कहानी है निक्की और साहिल की। लेकिन अब निक्की दुनिया में नहीं है और साहिल सलाखों के पीछे है। ये पूरी कहानी 24 घंटे की है, तो आइए देखते हैं। ये है निक्की यादव। ये सीसीटीवी फुटेज उत्तम नगर के उस मकान का है जहां निक्की किराए पर रह रही थी और साहिल उससे मिलने के लिए रोजाना आता था। ये सीसीटीवी 9 फरवरी फुटेज दोपहर 1:10 का और ये है निक्की का दूसरा सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो घर से बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है। ये सीसीटीवी फुटेज भी 9 फरवरी की है, रात 9:27 और इसके बाद से निक्की गायब हो जाती है और 14 फरवरी को दिल्ली में नजफगढ़ के मित्राओं गांव के एक ढाबे के फ्रिज में निक्की की लाश मिलती है। अब दिल्ली पुलिस को तीसरे सीसीटीवी फुटेज की तलाश है जिसके पीछे प्यार के दी एंड की पूरी मिस्ट्री छुपी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार साहिल से यह जानने की कोशिश कर रही कि उसने कब और कहां निक्की की हत्या की और इसके बाद बॉडी उसने जब फ्रिज में रखी तो आगे की उसकी प्लान क्या था, कब वो बॉडी को फ्रिज से निकालने वाला था और किस तरीके से उसकी ठिकाने लगाने की साजिश थी। इसके अलावा इस पूरे हत्याकांड में क्या किसी ने उसकी मदद की। अब आपको 9 फरवरी से पहले लिए चलते हैं जब निक्की और साहिल को एक दूसरे से प्यार, इश्क और मोहब्बत हुई और दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला किया। निक्की का घर दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद झज्जर में है। पिता सुनील यादव का गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का कारोबार है। 12वीं की पढ़ाई के बाद निक्की घर से बाहर निकलती है। शुरू में निक्की डॉक्टर बनना चाहती थी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी के लिए वो उत्तम नगर में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती है। इसी उत्तम नगर के कोचिंग सेंटर में दिल्ली के नजफगढ़ के कारोबारी पिता का बेटा साहिल भी SSC एग्जाम की तैयारी कर रहा था। बस में आते जाते वक्त निक्की और साहिल की मुलाकात होती है और ये मुलाकात पहले दोस्ती में बदलती है और दोस्ती प्यार में। निक्की नीट क्लियर नहीं कर पाई, उधर साहिल भी SSC एग्जाम पास नहीं कर पाता है, लिहाजा साहिल अब ग्रेटर नोएडा गलगोटिया कॉलेज में दाखिला ले लेता है। वो डी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। साहिल के पीछे पीछे निक्की भी इसी कॉलेज में BA इंग्लिश में दाखिला ले लेती है। दोनों के घर ग्रेटर नोएडा से काफी दूर थे, लिहाजा दोनों ग्रेटर नोएडा में किराए के एक मकान में लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। इस बीच कोरोना दस्तक देता है और दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। कोरोना खत्म होने के बाद निक्की उत्तम नगर में बिंदापुर इलाके में किराए के घर में रहने लगती है जबकि साहिल अब अपने घर में रह रहा था, लेकिन दोनों की रोजाना मुलाकात होती है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन तभी साहिल का एक झूठ निक्की की दुनिया में तूफान ला देता है। वैलेंटाइन डे करीब था, निक्की साहिल के साथ गोवा में वैलेंटाइन डे मनाना चाहती थी, उसने टिकट तक बुक करा रखा था। लेकिन इधर साहिल की जिंदगी और घर में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। साहिल के घर वालों ने साहिल का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। 9 फरवरी को सगाई थी और 10 फरवरी को शादी और इसके बाद होता है लव का दी एंड।